नमस्कार, बीबीएन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं क्लार्क स्टैंडर्ड 8 के लिए लेक्चर 4। इसमें हम लोग को पढ़ना है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव, फिर उसके बाद है फ्रेंडली माइक्रोब्स और इसका यूजेस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज क्या क्या होता है, तो ये सब के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करें। सबसे पहला है कि ये जानना जरूरी है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह रह सकते हैं। ये जो है किसी भी तरह के वातावरण में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए इनमें जो है करने की क्षमता होती है, और ये आसानी से जहाँ भी जाते हैं वहाँ ये एडजस्ट हो जाते हैं। मतलब कि ये जो है इसमें एक खास तरह का म्यूटेशन या कहिए एडेप्टेशन हो जाता है, और वो जहाँ जाते हैं, जैसे कि अगर वो आइस कोल्ड में है तो वहाँ भी रह सकता है, मतलब कि पोलर आइस कैप पर भी बैक्टीरिया पाया जाता है, और यहाँ तक कि गर्म झरना मतलब जो हॉट स्प्रिंग है वहाँ पर भी, नेचुरल गीजर कहा जाता है, बहुत सा ऐसा है जैसे राजगीर में ही आप लोग गए होंगे तो देखे होंगे गर्म झरना है, तो वहाँ पर भी बैक्टीरिया रह लेता है। कुछ और भी जगह है जैसे जापान में गर्म झरना है, वहाँ पर बंदरों का समूह ठंड से जब परेशान हो जाता है तो वहाँ जाके और उसमें डुबकी लगा के और अपने आप को गर्म करता है, तो ये वहाँ पर भी बैक्टीरिया मौजूद रहेगा। और डेजर्ट है या कहीं भी हॉट डेजर्ट हो या कोल्ड डेजर्ट, वहाँ पर भी वो मिलेगा। एक्सट्रीम क्लाइमेट है वहाँ पर, हॉट डेजर्ट है तो उसमें इतनी ज़्यादा गर्मी भी होती है कि लगभग 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर भी वो जो है आसानी से झेल लेता है। कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे होते हैं कि जो उससे भी अधिक टेम्परेचर पर वो आसानी से रह लेते हैं। थर्मो एसिडोफिलस बैक्टीरिया जो है वो हॉट स्प्रिंग ये सब के आसपास आसानी से रह लेगा। तो इस तरह से करके वो जो है हर जगह रह सकता है, जमीन के नीचे भी रह सकता है, यहाँ तक कि हम लोग ग्राउंड वाटर जो यूज़ करते हैं उसमें भी बैक्टीरिया मौजूद हो सकता है। वो नीचे जाते जाते फिल्टर होके भी, मतलब मिट्टी से इनफिल्ट्रेशन होकर भी जब वो पानी नीचे जाएगा ग्राउंड वाटर, तो वहाँ भी हो जाएगा। तब तो है कि वहाँ उसकी जो है संख्या बहुत कम, नंबर ऑफ माइक्रोब्स उसमें कम मिलेंगे, जो सरफेस वाटर है उसमें अधिक मात्रा में। कुछ ऐसा है कि जो एरोबिक बैक्टीरिया होगा या माइक्रोब्स जो है, कुछ एरोबिक है और कुछ एनारोबिक है, मतलब कि जो बैक्टीरिया प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में रहता है उसको एनारोबिक कहेंगे, और जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रहता है एनारोबिक कहेंगे। तो ये हर जगह मिल सकता है, हवा है तभी भी, हवा नहीं है तभी भी रह सकता है। जैसे कभी कभी देखे होंगे, नाम सुने होंगे बोटुलिज्म, एक बैक्टीरिया है जो डब्बा बंद है मतलब कैंड फूड में भी वो आसानी से ग्रो कर लेता है, और वो अपना टॉक्सिक सबस्टांस उसमें छोड़ते रहता है। तो इस तरह से ये जो है हवा है वहाँ पर भी रह सकता है, हवा नहीं है वहाँ पर भी रह सकता है, वैक्यूम में भी वो रह सकता है, और यदि हॉट है कोल्ड है तो वो कहीं भी रह सकता है। मतलब कि ये जो है एक्सट्रीम क्लाइमेट में भी और फेवरेबल क्लाइमेट वो सब जगह रह सकता है, जहाँ भी उसको मौका मिलेगा वो आसानी से ग्रो करना शुरू कर देता है। कुछ जो है वो बैक्टीरिया जब उसको अनफेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो अपने चारों ओर एक हार्ड कवरिंग बना लेगा। ये जो है ये बैक्टीरिया इसके ऊपर से चारों तरफ से सिस्ट बन जाएगा, एक ऊपर से हार्ड कवरिंग बन जाएगा जो इसे प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, और ये एक्सट्रीम क्लाइमेट में आसानी से रह लेगा, और अंदर इसमें रिप्रोडक्शन भी होते रहेगा, ये मल्टीप्लाई करते रहेगा, और जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा
उसका ऊपर वाला हार्ड कवरिंग समाप्त हो जाएगा और वो बाहर आसानी से आके फिर जहाँ ग्रो करना होगा वो ग्रो कर लेगा। इस तरह से करके बैक्टीरिया जो है वो कहीं भी किसी भी कंडीशन में रहने लायक वो जो है वो अपने आप को बना लेता है। हम लोग के मुंह में भी, कान में, आंख में, हर जगह, यहाँ तक कि हमारे खून में भी बैक्टीरिया, वायरस, ये सब जो है वो रह सकते हैं, मौजूद रहेगा, और जिसके कारण हमारे शरीर में कुछ बीमारियाँ जो है वो उत्पन्न हो सकते हैं इसके टॉक्सिक सब्सटेंसों की वजह से। तो इस तरह से हर जगह ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहने लायक है। हम लोग इसे ओमनी प्रेजेंट भी कह सकते हैं कि ये जो है हवा में भी रहेगा। जैसे अभी बहुत सा जो है हम लोग कहते हैं कि 1 मीटर की दूरी बनाकर अगर रहें तो कोरोना का असर कम हो जाता है। मतलब कि ड्रॉपलेट्स जो है नाक से या मुंह से बोलते समय जो निकलेगा वो 1-2 मीटर के रेंज में, हालांकि ये और भी अधिक हो सकता है, ये 4 मीटर 5 मीटर तक भी वो आगे ड्रॉपलेट्स होता है तो वो ज़्यादा दूर तक जाएगा। जैसे कोई आदमी छींकेगा, खांसेगा, तो वो जो है वो नज़दीक में जो बड़ा वाला ड्रॉपलेट्स होगा वो गिरेगा, और जो बड़ा वाला ड्रॉप छोटा वाला जो ड्रॉपलेट्स है वो थोड़ा जाके दूर पर, इसी तरह से जो और ज़्यादा छोटा ड्रॉपलेट्स होगा वो बहुत अधिक दूरी तक भी जा सकता है, इवन हवा में वो तैरते भी रह सकता है इस तरह से करके, और ड्रॉपलेट्स जो है वो दूर दूर तक चला जाता है। लेकिन इसमें दूरी कुछ बनाया गया है कि बस 1 मीटर कम से कम, ऐसा नहीं है कि 1 मीटर की दूरी पर रहेंगे तो नहीं होगा, कम इसका प्रसार होगा, मतलब कि ये जो है ट्रांसमिशन इसका कम होगा, एक जगह से दूसरा जगह जाने में ये जो है वो सक्षम कम होगा, क्योंकि ड्रॉपलेट्स जो है वो 1 मीटर के रेडियस में वो जो है इधर उधर फैल जाएगा या नीचे गिर जाएगा। तब तो है कि यदि कोई आदमी वहाँ पर स्थित सामान को छुआ तो उसके हाथ में आ जाएगा और उसके बाद वो जा सकता है उसके नाक में, आँख के थ्रू भी जा सकता है या माउथ के थ्रू भी जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे कुछ फ्रेंडली माइक्रोब, मतलब कि जो हमारे लिए लाभदायक हो। बहुत सा जो बैक्टीरिया है, ईस्ट है, तो ये सब हमारे लिए लाभदायक भी है, एल्गी है, फंगी है, वो सब में लाभदायक भी हो सकता है। हम लोग यूज़ करते हैं हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होगा, बहुत से लोग इससे पैसा भी कमा रहे हैं। जैसे हम लोग देखे होंगे ब्रेड जो बनाया जाता है वो उसमें यूज़ किया जाता है ईस्ट। ईस्ट जो है वो फर्मेंटेशन करके उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकालेगा, रिलीज करेगा, उसके समय वो जो है वो फ्लफी हो जाता है। थोड़ा सा देखे होंगे आप कि ब्रेड में अंदर बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा छोटा छोटा छेद छेद जैसा अंदर से दिखेगा, वो स्पंजी हो जाता है। तो उसका मेन कारण यह है कि वो जब वहाँ अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोडक्शन करेगा और जब वो रिस्पायरेशन करता है, रिप्रोड्यूस करेगा, अपना संख्या बढ़ाएगा, और उसके बाद जब वो रिस्पायरेशन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें अधिक मात्रा में निकलेगा, और जब उसको गर्म किया जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बड़ा बड़ा होके वहाँ पर उतना जगह ड्रॉपलेट्स को जो है वो छोटा छोटा जो रहेगा वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो पैकिंग हो जाएगा चारों तरफ से, वो डो जो हम लोग बनाते हैं मैदा का, वो जो उसमें मिक्सचर जो होता है उसमें वो छोटा छोटा जाली जैसा पूरा अंदर बन जाता है। इसी तरह से जलेबियाँ जो हम लोग यूज़ करते हैं वो भी वैसा ही लगेगा आपको, थोड़ा सा ज़्यादा दिन का यदि हो गया तो खट्टा लगेगा। तो इस तरह से, और उसमें देखेंगे अंदर से फूल जाता है और वो गोल बन जाएगा, उसमें रस भर जाएगा जब छाना जाता है। तो इस तरह से करके इडली, डोसा, ब्रेड, ये सब जो बनाया जाता है वो सब यूज़ किया जाएगा, उसमें ईस्ट का यूज होता है। फिर है कर्ड में दही बनाने के लिए, आपको थोड़ा सा दही कहीं से, जिसको हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं कि जोरन, मतलब कि उसको शुरुआत करने के लिए
इनिशिएट करने के लिए उसमें थोड़ा सा डाला जाता है और वो लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होगा उस दही में। पहले लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट है और जैसे ही हम दूध में उसको डालते हैं और वो धीरे धीरे ग्रो करके और उसमें भी वो जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्सन हो जाता है, मतलब कि दूध में लैक्टोज, एक खास तरह का ग्लूकोज पाया जाता है उसको लैक्टोज कहते हैं, और उसको वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से ये दही का बनना, ब्रेड का, इडली का, डोसा का, तो ये सब जो है वो सब यूजफुल हमारे लिए है और वो जो है बहुत से लोग इससे बिजनेस भी अपना खड़ा कर रहे हैं। इडली बेचने वाले, डोसा बेचने वाले, दही, ये सब जो है, तो इसका यूज़ जो है वो हम लोग कॉमर्शियली भी कर सकते हैं। अब है कुछ और भी, इसके अलावा भी हम लोग उसका डायरेक्ट खाने में भी यूज़ करते हैं। जैसे अगर एल्गी की बात करें तो एक आजकल अब शुरू हो गया है एक स्पाइरुलिना एल्गी है जो प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत है, तो हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं और वो प्रोटीन हमें मिल जाएगा। इस तरह से करके अब हम लोग आगे देखें, बहुत सा कॉमर्शियल यूज़ भी होता है, जैसे अल्कोहल बना, वाइन बना, क्योंकि यहाँ बिहार में बंद है, वो अल्कोहल की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। अल्कोहल मीन्स हम लोग जैसे स्पिरिट का यूज़ करते हैं, और भी दवाई में बहुत सा अल्कोहल का यूज़ होता है, वो केवल नशा के लिए ही नहीं, इसमें प्रिजर्वेटिव्स के रूप में भी अल्कोहल का यूज़ किया जाता है, दवाई में मिलाया हुआ रहता है, जो सिरप हम लोग लेते हैं उसमें रहेगा, या आजकल सैनिटाइज़र का यूज़ किया जा रहा है हाथ को सैनिटाइज करने के लिए, उसमें भी 90% अल्कोहल बेस्ड होता है। होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं उसमें रहता है 90%। तो इस तरह से करके हम लोग अल्कोहल का यूज़ कॉमर्शियली करते हैं, फिर इसी तरह से यूज़ होगा और वो प्रोसेस जो है उसका कहलाएगा फर्मेंटेशन। एक और जो है, गांव में रहने वाले लोग ज़्यादातर देखते होंगे ताड़ के पेड़ पर सुबह सुबह वो जो है ताड़ी उतारते हैं, वो उसका जूस होता है, ताड़ का जूस, लेकिन वो जो है फर्मेंटेशन के कारण ही उतना खट्टा हो जाता है, ऐसे वो मीठा होता है, उसमें ग्लूकोज मिलेगा, लेकिन वो जो है कुछ देर छोड़ देने के बाद फर्मेंटेशन होगा और उसमें अल्कोहल बनता है, मतलब कि उसमें मिथाइल अल्कोहल बन गया, जिससे नशा आना शुरू हो जाता है और लोग फिर लेके और उस नशा को लेके एडिक्ट हो जाते हैं, मतलब कि वो फिर पीने का आदि हो जाते हैं, अगर उनको नहीं मिलेगा तो बार बार बेचैनी हो जाएगी, वो जाके फिर से वो पिएंगे। तो ऐसा नहीं, ये जो है फर्मेंटेशन फायदेमंद चीज़ है, लेकिन उसको लोग ज़्यादा नुकसानदायक बना देते हैं, उसका एडिक्शन यदि हो जाए तो वो नुकसानदायक हो जाएगा। और कुछ दिन पहले शुरुआत भी हुआ था बिहार में नीरा, ताड़ी के जगह पर नीरा, उससे और भी मीठा बनाना, फिर उसका मिश्री, जैसे अभी बाजार में भी उपलब्ध है ताल मिश्री के नाम से, मतलब कि वो जो है मिश्री रहेगा वो उसी का बना हुआ, तो वो यूज़ किया जाता है मेडिसिनल यूज़ में, वो लाते हैं लोग, ताल मिश्री के नाम से मिलेगा बाजार में, और भी इसका यूज़ होता है। तो फर्मेंटेशन है क्या? फर्मेंटेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ शुगर इंटू एल्कोहल by yeast bacteria is termed as fermentation। और fermentation का जो है वो सबसे पहला इसने खोज किया था लुईस पाश्चर, इनका नाम था लुईस पाश्चर, और ये जो है वैज्ञानिक सबसे पहला बताने वाले ये थे कि ये जो है fermentation होता है कैसे, क्या होता है fermentation, और ये जो है 1857 में इसका खोज किया। आजकल हम लोग देखते हैं इन्हीं के नाम पर पास्चराइज्ड मिल्क, बहुत सा खोज किया इन्होंने, लुईस पाश्चर जो है वो बहुत से खोज इन्होंने किया, और ये जो है पास्चराइज्ड मिल्क, जो दूध हम लोग देखते हैं पैकेट वाला जो दूध होता है
वो पास्चराइज्ड मिल्क होता है। इन्होंने ही एक प्रोसेस बताया जो हम लोग और बाद में भी फिर फूड प्रिजर्वेशन में पढ़ेंगे कि उसको गर्म करके ठंडा कर दिया जाता है। इस तरह से ये जो है प्रोसेस होता है पास्चराइजेशन। तो इन्हीं के द्वारा बताया गया, लुईस पाश्चर के द्वारा ही बताया गया एक मेथड है। इस तरह से अब हम लोग और भी मेडिसिनल यूज भी किया जाता है। मेडिसिनल यूज का मतलब कि दवा के रूप में हम लोग भी प्रयोग करते हैं, और वो है एंटीबायोटिक्स के रूप में। एंटीबायोटिक्स ये जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग यूज किया था। सबसे पहला अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहला खोज किया पेनिसिलिन, और वो कब 1929 में इन्होंने किया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज कैसे किया, उन्होंने कल्चर करते समय देखा, मतलब कि बैक्टीरियल का ग्रोथ करवा के जख्म हो या कहीं भी, तो उसका कल्चर करवाया जाता है, पस कल्चर, ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर, तो वो उसमें ग्रोथ का पता लगाया जाता है, और वो उस ग्रोथ से फिर बाद में पता लगाया जाता है कि ये कौन सा बैक्टीरिया है, उसका ग्रोथ इसमें हो रहा है। तो वैसे ही ग्रोथ कल्चर, वो कल्चर कर रहे थे तो उसमें उन्होंने पाया कि कुछ फंगी लग गया है, और वो कौन सा फंगी था वो बाद में उनको पता चला कि ये जो है पेनिसिलियम नोटेटम, एक फंगी है पेनिसिलियम नोटेटम, और वो फंगी इसमें ग्रो कर रहा है। तो बैक्टीरिया जितना दूर वो ग्रो किया उतना दूर बैक्टीरिया नहीं मिला, तो उनका जो तो है वो सोचना था कि ये जो है पेनिसिलियम नोटेटम, इसका मतलब कि कुछ जरूर इसमें केमिकल सेक्रेट कर रहा है जिसके कारण ये बैक्टीरिया वह वहाँ पर नष्ट हो जा रहा है। तो धीरे धीरे इन्होंने फिर उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के दूसरे पर डाला, इस तरह से देखा कि ये बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो वहाँ पर बंद हो गया। तो इस तरह से फिर उन्होंने पेनिसिलिन का आविष्कार किया, आदमी पर फिर उसका प्रयोग शुरू हो गया। इसी तरह से आजकल अब तो लगभग 100 से भी अधिक एंटीबायोटिक्स उपलब्ध है। मतलब कि एंटीबायोटिक्स क्या है, एक ऐसा केमिकल्स है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को, मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ को वो रोकता है या उसे मार देता है। मतलब कि व्हाट इज एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक एक केमिकल सेक्रेटेड बाय माइक्रोब्स विच कैन किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब इज टर्म एज एंटीबायोटिक। मतलब केमिकल सबस्टांस है जो उसके ग्रोथ को रोकने का काम करता है, कम करने का काम करता है, या बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। इस तरह से फिर वैक्सीनेशन, वैक्सीन का शुरुआत हुआ। फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे भी जानेंगे कि वैक्सीनेशन कैसे काम करता है, ये सब भी हम लोग बाद में जानेंगे। तो वैक्सीन ये सबसे पहला शुरुआत किन्होंने जो है एडवर्ड जेनर ने किया, और 1798 में एडवर्ड जेनर ने देखा कि जिस आदमी को काउ पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है। काउ पॉक्स छोटा 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 दाना होने वाला था, और स्मॉल पॉक्स बड़ा बड़ा वो जो है ब्लिस्टर्स हो जाते थे, चेचक जिसको कहते हैं, तो वो बड़ा बड़ा दाना वाला, बड़ी माता, स्मॉल पॉक्स को बड़ी माता और काउ पॉक्स को छोटी माता के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जिस आदमी को काउ पॉक्स हो गया उसको वो स्मॉल पॉक्स नहीं होता, तो उनके यहाँ एक दूध देने वाला आता था, उससे इनको पता चला कि इस आदमी को काउ पॉक्स हो गया था, तो बगल में मतलब जैसे अभी हो रहा है वैसे ही, मतलब बहुत मात्रा में उस समय जो है बहुत ज़्यादा लोगों को वो हो जाता था, एपिडेमिक्स जैसा ही वो भी हो जाता था, कि ये जो है महामारी के रूप में ये स्मॉल पॉक्स हो जाता था। इस तरह से वो देखा कि जिसको हो गया है काउ पॉक्स उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है, तो इस तरह से उन्होंने सोचा कि जरूर कुछ इसके शरीर में ऐसा हो जा रहा है, इम्यूनिटी डेवलप हो जा रहा है। तो वो उन्होंने क्या किया कि एक छोटा सा बच्चा को जो है वो सबसे पहले काउ पॉक्स वाला दिया, और उसके बाद उन्होंने
फिर से उस पर जो है वो स्मॉल पॉक्स का वायरस, मतलब कि उसका जो कहीं किसी आदमी का ब्लिस्टर था उससे लाके वो उसमें फिर से दिया। तो पहले वो जो स्मॉल काउ पॉक्स वाला था तो उसके कारण उसके शरीर में इम्यूनिटी डेवलप हो गया और वो जो है उसमें ऐसा फिर से काउ पॉक्स जिसको हो गया, बच्चा को हो गया, तो स्मॉल पॉक्स से लड़ने की इम्यूनिटी उसमें डेवलप हो गई, तो उस आदमी को फिर उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तो ऐसा करके उन्होंने वैक्सीन का आविष्कार किया। अब आजकल प्रोबायोटिक्स के रूप में भी इसका यूज होता है। प्रोबायोटिक्स मतलब कि हम लोग उसके स्पोर्स को खा लेते हैं, जैसे कभी कभी होता है कि कुछ लोग एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो, या फिर हमारे शरीर में जो है वो कुछ लाभदायक बैक्टीरिया है, ईस्ट है, उन सबों का कमी हो जाता है, अभाव हो जाता है, तो उसका यूज करना मतलब उसके स्पोर्स को लेना, ये सब जो है प्रोबायोटिक्स कहलाता है। ये भी आजकल अब नया नया यूज शुरू हो गया। पहले लोग दही यूज करते थे, यदि किसी का पेट गड़बड़ हो गया तो दही का यूज किया जाता था, लेकिन अब जो है वो लोग थोड़ा सा बाजार में मिलने वाला जैसे अस्पोरलेक है या और भी बहुत सा मिल जाएगा आपको बाजार में, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का उसमें स्पोर्स रहेगा। बहुत सी दवाइयां हैं जो बाजार में उपलब्ध हैं, मतलब प्रोबायोटिक्स कहलाता है। तो ये सब यूज आजकल मेडिसिनल वैल्यू भी इसका बहुत है, ये फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसलिए कहलाएंगे। इस तरह से हम लोग अनवरत नेक्स्ट वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।